अंकल मुझे केस करना है। किस? क्या मजाक है? अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मैं फीस भी लाया हूँ। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट, ओके? बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। गोपाल, तो इस नन्हे गोपाल को किस पे केस करना है? पापा और मम्मी पर। मम्मी पापा पर? पर अपने मम्मी पापा पर केस क्यों? क्योंकि वो मुझे हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। वो तो अच्छी बात है ना, वहाँ जाकर तुम डिसिप्लिन सीखोगे, पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बनोगे। लेकिन अंकल वो तो बस मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। अंकल आपके मम्मी पापा आपका ख्याल रखते होंगे ना? हाँ बिल्कुल रखते थे। कैसे रखते थे? भाई जैसे सबके मम्मी पापा रखते हैं वैसे ही रखते थे। मेरे पापा रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल से मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और वापस लेकर आते थे। अच्छा। उन्होंने मेरी हर जिद हर ख्वाहिश पूरी, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं शहर के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक हूँ। और आपकी मम्मी वो भी तो केयर करती होगी ना? अरे माँ से ज्यादा तो क्या ही कोई केयर करेगा। मेरी माँ के लिए तो मैं पूरी उनकी जिंदगी था। मेरे लिए नए नए पकवान बनाती थी, मुझे नए नए कपड़े दिलाती थी। हमारे घर में जब कोई त्योहार होता था तो मेरी माँ भले ही पुरानी साड़ी पहन ले पर मैं कभी पुराने कपड़े पहनूं ऐसा कभी नहीं होता था। और आज भी मेरी माँ के पास एक छोटे लड्डू गोपाल है। तुम्हें हैरानी होगी कि वो उनका बच्चों की तरह ख्याल रखती है, बड़ी भोली है वो। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। लगता है शैतानी बहुत करते हो तुम। लेकिन आप भी तो शैतानी करते होगे ना? शैतानी तो सभी बच्चे करते हैं और मैं तो कुछ ज्यादा ही शैतान था। पर मैं जब भी शैतानी करता मेरे पापा मुझे जरूर डांटते और मेरी माँ वो बीच में ढाल बनकर हमेशा मुझे बचा लेती थी। तो आपको कभी उन्होंने दूर क्यों नहीं भेजा? अरे शायद उन्हें लगता हो कि अपने पास रखकर वो मेरा ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को लग रहा है कि वो हॉस्टल भेजकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। वही तो अंकल, ख्याल रखने के लिए मम्मी पापा से बेटर कौन होगा? ये बात तो ठीक है तुम्हारी, मम्मी पापा से बेहतर कौन ख्याल रखेगा। तो फिर आप अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम क्यों भेज रहे हो? क्या मतलब? तुम्हें सब कैसे पता? कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? मैं गोपाल, लड्डू गोपाल। और मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं तो माँ के कहने पर आया हूँ। कौन हो तुम? माँ ने मुझे कहा मैं आपको समझाऊँ तो फिर मैं आ गया। व्हाट रबिश, बहुत हो गया तुम्हारा ये मजाक। उठो यहाँ से। अरे देख क्या रहे हो, उठो उठो। जो भी हो जाओ यहाँ से। जिस माँ बाप ने आपका ख्याल रखा, आपको प्यार किया, आपको सब कुछ दिया, आप उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हो? कौन हो तुम? हे कान्हा, जिसे हमने लाड़ प्यार से पाला था, आज वो हमें बेघर कर रहा है, हमें वृद्धाश्रम भेज रहा है। आपसे एक ही विनती है, हमारे जाने के बाद आप उसका ख्याल रखिएगा। शिवम, शिवम, सुनीता, शिवम। हाँ जी सर, ये बच्चा यहां कैसे आया? किसने आने दिया इसको अंदर? सर यहां तो कोई बच्चा नहीं है। अंकल मुझे केस करना है, देखो मैं फीस भी लाया हूं। मैं गोपाल, लड्डू गोपाल, मैं तो माँ के कहने पर आया हूँ। जिस माँ बाप ने आपका ख्याल रखा, आप उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हो? क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं, पानी वगैरह कुछ लाऊं? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। ओके सर।
जानते हो ना मम्मी पापा को छोड़ने जाने हैं तुम्हें, घर कब तक आ रहे हो? आ रहा हूँ मैं, पर मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं, उनसे माफी मांगने। क्या?